एंड गाइस दिस इज़ एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया, और बट एलिफेंट यहाँ मॉर्निंग में और बस इवनिंग में ही क्रॉस करते हैं। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ पे कोई आसपास कोई एलिफेंट नहीं नज़र आ रहा। तो दिस इज़ एलिफेंट क्रॉसिंग व्यू। सो गाइस ये हमारी नेक्स्ट लोकेशन है, और इसका चार्ज है 10 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ का जो व्यू है वो भी वैसा है कि जिस डैम में हमने अभी पीछे बोटिंग की थी, उसी डैम का ये एक पार्ट है। और यहाँ पे भी पैडल बोटिंग होती है, और यहाँ से व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये व्यू है यहाँ का, वही पेड़ और ये जो पानी है ये आगे जाके वही उसी डैम में मिल रहा है उधर, तो उधर जहाँ हमने अभी स्पीड बोट किया था। और ये पूरा व्यू, और ये जंगल का कलर कितना प्यारा लग रहा है। और ये इको पॉइंट है यहाँ पे, कहते हैं कि जब हम बोलते हैं वो आवाज़ हमारी इको होती है। बट मैं ट्राई नहीं करने वाला, अगर आप आओ तो ज़रूर ट्राई करना। मैं तो बस बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिए। तो ये है इको पॉइंट, और अब चलते हैं किसी नेक्स्ट लोकेशन पे। नहीं गाइस ये देखो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है इको पॉइंट। तो गाइस इको पॉइंट के बाहर स्ट्रीट शॉपिंग भी है, आप स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हो कुछ आपको कुछ पसंद आए तो। और व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, और ये है कुंडाला डैम। और आप व्यू मेरे पीछे का देख सकते हो कि डैम के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, और पीछे देखो पानी और फिर जंगल, और ये डैम के गेट का वो फाटक जो ओपन होता है यार बंद करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से ना डैम का व्यू दिखाता हूँ कि डैम कितना खूबसूरत है यार। और इसमें भी बोटिंग हो रही है, अगर आप आओ तो इसमें भी बोटिंग कर सकते हो। हम एक बार कर चुके हैं, तो हम बार बार पूरा दिन बोटिंग नहीं करेंगे। और यहाँ से जो डैम का व्यू है ना वो एक नंबर, चेक करो। और गाइस आप डैम देखने के बाद यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, और आगे के ये जंगल में जा सकते हो। मतलब बहुत सही चीज़ है यार ये, खूबसूरत खूबसूरत सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती है। और नेचर चारों तरफ देखो, पानी नेचर, और बस घूमने वाले बंजारे घूम रहे हैं, व्यू देख रहे हैं। और ये डैम का व्यू कितना शानदार है यार, जब वहाँ ऊपर से खड़े होकर उसकी जो आवाज़ सुनते हैं ना, और वो पानी वो ऐसे जब जा रहा होता है इतना अच्छा लगता है। और उसके बाद डैम के बिल्कुल सामने जो ऊपर का व्यू है ना वो इतना प्यारा लग रहा है ना कि कोई शब्द ही नहीं है। डैम देखने के बाद बोटिंग करने के बाद यहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो, देखो कितना मस्त व्यू है यार नीलगिरी पेड़ों का, और ये लंबे लंबे। तो गाइज अभी आए हैं हम हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, और ये है टॉप व्यू मुन्नार का, जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। हम वहाँ आए हैं, और वहाँ से आपको हम व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे शायद कैंपिंग का भी ऑप्शन है, तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ का माहौल। गाइज दिस इज़ टॉप स्टेशन, और यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा। बट आप देख सकते हो कितनी भीड़ है उसके ऊपर, तो थोड़ा सा पहले यहीं से देख लो कि हम कितनी हाइट पे हैं।
सो गाइस दिस इज़ फाइनल टॉप स्टेशन व्यू ऑफ मुन्नार। यहाँ भी आ जाएँ और एक्सपीरियंस करें, और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से नीचे टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट। तो गाइस पहले हमने टॉप स्टेशन का जो ऊपर का जो पार्ट था वहाँ से हमने पूरा व्यू देखा, और अब हम जाएंगे टॉप व्यू पॉइंट के नीचे जाएंगे। नीचे जाने का ये एक कच्चा सा रास्ता है, उसके थ्रू हम नीचे जाएंगे और फिर नीचे का भी व्यू देखते हैं। कुछ इस तरह का रास्ता है नीचे जाने के लिए, फिर देखते हैं नीचे से व्यू। तो गाइस हमने अभी पहले वो बहुत ऊपर से व्यू देखा था इन पहाड़ों का, और अभी हम लोग काफ़ी नीचे आए हैं और अभी हम और भी नीचे जाएंगे। तो ये यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं और काफ़ी आप देख सकते हो वहाँ पे लोग काफ़ी नीचे हैं, ऐसे पूरा नीचे जाएंगे। और व्यू यार मतलब मुन्नार सच में बहुत अच्छी जगह है। हम लोग ना आज का ये जो भी हमने आज कवर किया है जितने भी स्पॉट ये सब हम कवर नहीं करने वाले थे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क विज़िट करने वाले थे। बट जो होटल मैनेजर था उसने हमें बोला कि सर आप ये वाले ज़रूर ट्राई करो, ये स्पॉट मस्ट विज़िट है, आप एक बार विज़िट करके आओ। क्योंकि हमें ये था कि हम ये सब ऊटी में देख चुके हैं तो हम क्यों आए, बट जब हम आए ना तो लगा कि हाँ ज़रूर ज़रूर आना चाहिए। अगर आप लोग भी मुन्नार आओ तो दो दिन में आप मुन्नार पूरा कवर कर सकते हो। आज हमारा पहला दिन है तो आज हमने काफ़ी कवर किया। इसके बाद हमारा एक और स्पॉट है, उसके बाद हम लोग फ्री, और फिर कल देखते हैं अगर एराविकुलम नेशनल पार्क जा पाए तो। क्योंकि आज सवेरे बारिश बहुत थी इसलिए हम नहीं गए। तो आज बट आज जो हमने विज़िट किया ना, ये देखो यार खूबसूरत जन्नत तो ये है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। स्टेशन का एंड पॉइंट, पहले बहुत ऊपर से हम ये पहाड़ों को देखते हैं और उसके बाद हम बहुत नीचे आते हैं, फिर नीचे आके थोड़ा और करीब से इन पहाड़ों को देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इट्स ऑल अबाउट टॉप स्टेशन ऑफ मुन्नार। और अभी हम जाएंगे वापस और जाएंगे हम किसी नेक्स्ट और लास्ट लोकेशन पे, मे बी लास्ट लोकेशन हमारी आज, क्योंकि आज हम सुबह से ही घूम रहे हैं, बहुत थक गए हैं और अभी बहुत तेज़ धूप है और रात में वो ठंड थी, सुबह वो ठंड थी, बारिश थी, और अभी बहुत गर्मी है, बहुत सूरज तप रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट टॉप स्टेशन, एक बार देख लो, चलते हैं। और वहाँ भी नीचे काफ़ी घर बने हुए हैं, मतलब इतना डीप में रह रहे हैं लोग, इतना नीचे, ओ माय गॉड। और इसके बाद भी रास्ता था यहाँ से नीचे जाने का, वो रास्ता बंद हो गया तो और नीचे हम नहीं जा सकते, यहीं से हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा और फिर वापस। और गाइस एक वो सामने वाला, अब आपको ऐसे दिख रहा होगा शायद ये वाला एरिया, वहाँ पे भी बादल है और बादलों के नीचे एक छोटा सा मतलब गांव कह सकते हो वो है, और ये है व्यू। तो अब चलते हैं गाइस, बहुत हो गया यहाँ पे, जाने का मन नहीं है बट धूप तेज है, जाना ही होगा, तो लेट्स गो गाइस। ऊपर से आना बहुत इजी है आते वक्त, बट अभी जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना तो हालत ख़राब हो रही है यार, क्योंकि ना बहुत नीचे जाना पड़ता है और अब वापस ना ऊपर चढ़ना पड़ रहा है ना, चढ़ ही नहीं जा रहा, बट अब चढ़ना तो पड़ेगा ना। अभी वो देखने आए हैं तो ये देखा, और अब वापस जाना है तो नो अदर ऑप्शन।
और गाइस अभी हम बैठे हैं समुंदर तल से 6410 फीट की ऊंचाई पर, और हम लोग अभी वो चाय के खेत वहाँ पे रोड है वहाँ से ऐसे करके आए हैं इधर, और अभी वापस जा रहे हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का दिन, हमने बहुत सारा घूमा और हमारा एक आध कोई जो स्पॉट था वो रह गया था, बट रास्ते में बारिश शुरू हो गई और दिन बहुत जल्दी ढल गया था। जो हमारा जो लास्ट जो हमने गए थे ना जो वो ऊपर, और वो वहाँ से जब निकले थे ना तो बारिश हो गई थी, और इसलिए फिर हम लोग सीधा भी रूम आ गए हैं। तो यहीं इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट मुन्नार, और कल का दिन फिर मुन्नार में घूमेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए इसी ब्लॉग को देखें और एंजॉय करें और अपना प्लान बनाएं मुन्नार आने का। बाय।